हेलो फ्रेंड्स, ये TS7 एंड्रॉयड कार प्लेयर है। हम आज इस वीडियो में देखेंगे किसी भी TS7 प्लेयर में थीम को कैसे चेंज किया जाता है। इससे पहले हम एक वीडियो इस पर बना चुके हैं और हमारे चैनल पे हमने उसको अपलोड भी कर दिया। ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना वाईफाई को कनेक्शन चेक करेंगे कि हमारा प्लेयर का वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं। देखिए, जैसे कि हमारा प्लेयर में वाईफाई पहले से कनेक्ट है, ठीक है। तो हम पहले इसको चेक करेंगे, देन थीम पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन थीम, ठीक है। देन क्लिक ऑन डाउन एरो, राइट साइड टॉप कॉर्नर पे जो डाउन एरो उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। देन देखिए, अभी हमें कुछ थीम की इंटरफेस अभी दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसी में से हम थीम यूज कर पाएंगे कोई भी, ठीक है। तो हम इसी में से कोई एक अभी यूज कर लेंगे। जैसे कि हम अभी वाईफाई कनेक्शन के बारे में वो बता रहे थे आपको, तो एक बार पहले हम चेक करेंगे कि हमारा वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं। इससे क्या होता है कि अगर हमारा प्लेयर रीसेट हुआ हो तो हमारा जो सबसे ओरिजिनल और इनबिल्ड इसमें जो थीम होती है वो ऑटोमेटिक हमारी यूज में आ जाती है, ठीक है। जैसे हमने प्लेयर रीसेट कर देंगे तो हमारा थीम चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे हम नेट से कनेक्ट करेंगे ना तो हमारा थीम बिल्कुल फिर पुराना आ जाता है। जैसे कि ये हमारा इसमें इनबिल्ड थीम है तो यह ऐसी थीम आ जाएगी, ठीक है। आपकी जो भी प्लेयर में इनबिल्ट थीम हो उस वो आ जाएगी, ठीक है। तो हम अभी थीम पर क्लिक करके देन डाउन एरो पर क्लिक किया और इसमें से कोई एक थीम को हम यूज करते हैं। अभी जैसे हमने इस वाले थीम को यूज कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी थीम यूज करते हैं, ठीक है। आपको जो इसमें थीम अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जैसे कि इसमें ये बहुत सारे थीम के भी ऑप्शन आ रहे थे जो फर्स्ट पेज पे ही, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ये हमारा जैसे कि ये जो हमारा फर्स्ट पेज के थीम है ना, ये लाइसेंस्ड थीम होती है। बहुत सारे कस्टमर का इसके लिए कॉल आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे थीम है, देखिए लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर लिख रहा है ना, तो ये लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर चार्जेबल है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑथराइजेशन कोड एक्टिवेशन के लिए ये हमारे यहाँ पे एक कोड मांग रहा है, ठीक है। नीचे इसमें देखिए, फॉर द ऑनली क्वेश्चन प्लीज कॉन्टैक्ट दिस जीमेल आईडी फॉर फीडबैक। आप यहाँ से इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये वाईफाई एक्टिवेशन होती है, जो वाईफाई के थ्रू एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो ये चार्जेबल होती है, ठीक है। ये देखिए कुछ और इसमें थीम है, तो सेम ही है, ये लाइसेंस्ड थीम है। ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते। इसका यूज करने के लिए हमें पहले एक्टिवेशन कोड चाहिए होता है, जो कि हमें इस ईमेल आईडी से कॉन्टैक्ट करने पे भी मिल सकता है, ठीक है। ये वाईफाई के थ्रू एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो हम जो यूज करेंगे, हमारा ये जो कुछ थीम हमें दी रहती है, चार या पांच थीम रहती है, इसी को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डाउन एरो करके हमने ऑप्शन पे जो थीम यूज करने के लिए बताया ऑप्शन, किसी किसी प्लेयर में ये हमारा डायरेक्ट पेज पे ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पे ये हमने डाउन एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तब जाके हमारे थीम की पेज ओपन हो रही है, लेकिन किसी किसी प्लेयर हम जैसे ही थीम एप्लीकेशन ओपन करते हैं डायरेक्ट पेज पे ही वो हमारा थीम का इंटरफेस आती है, ठीक है। जैसे हमें डाउनलोड पर क्लिक करने पे यहाँ पर आ रही है, किसी किसी में डायरेक्ट आती है। इस तरीके से किसी भी TS7 प्लेयर में हम थीम को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।